आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 22 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रमुख सचिव के नाम पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की जिला इकाई द्वारा सौंपा गया। इस दौरान रीवा विधायक ने शासन स्तर से इन मांगों के निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 22 सूत्री मांगे हैं, जिनका ज्ञापन 4 चरणों में सौंपना था। पहले चरण में कर्मचारी संघ द्वारा रीवा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जबकि दूसरे चरण में संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि आज यह तीसरा चरण है, जिसमें पूरे प्रदेश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन पत्र सौंपना था। इसी के तहत आज उनके द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1,25,000 चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारी है, जिसको प्रतिबंधित करते हुए नियमित पदों पर भर्ती की जाए। इसके अलावा भृत्य का पद नाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किए जाए। पुरानी पेंशन बहाली को भी लेकर कर्मचारी संघ द्वारा मांग की गई है। लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में, जिसमें से अपना रीवा जिला भी है, और 4 चरणों में आंदोलन की प्रक्रिया चालू है। प्रथम चरण में कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, द्वितीय चरण में कमिश्नर महोदय को, तृतीय चरण में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपना है। उस संबंध में आज हम लोग पूर्व से ही माननीय विधायक जी को सूचित कर चुके हैं कि हम लोग आज यहाँ आ रहे हैं और आज लोग हमारा ज्ञापन स्वीकार करने का कष्ट करें। उन्हीं के इंतजार में हम लोग बैठे हैं, जैसे आते हैं हम लोग तृतीय चरण का ज्ञापन सौंपेंगे और चौथे चरण का जो हमारा आंदोलन है वो आगामी 24 तारीख को भोपाल में होगा। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारे प्रदेश में नवीन पेंशन योजना NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, भृत्य का नाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक रखना, पदोन्नति का मसौदा तैयार कर कर्मचारियों की पदोन्नति करना। बहुत सारे कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी कई वर्षों से पदोन्नति रुकी हुई है, उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है। आकस्मिक कार्यभारित और को नियमित स्थापना में समायोजित कर 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण देना, केंद्र के समान 1300 के स्थान पर 1400 ग्रेड पे करना, जो कि केंद्र में कई वर्षों से 2016 से दी जा रही है, हम लोगों को 1300 दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जो केंद्र देगी वही हम देंगे, लेकिन वो जो है तो अपन लोगों को 1300 रुपये दे रही है, वहाँ 1800 रुपये दे रही है। अभी कहाँ पर आए हैं आप लोग ज्ञापन देने? हम लोग यहाँ माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला विधायक जी के निवास स्थान पर हैं। नाम बता दीजिए अपना। KC त्रिपाठी, अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला रीवा। मांगी थी और उनका आगे निराकरण किया, कैसे निकल जाना? उनकी करीब 22 सूत्री मांग है, जिसमें कई विषय हैं, हमने चर्चा कर ली है और ये सब शासन स्तर से निराकरण होना है, तो मैं इसको शासन स्तर पर प्रेषित करूंगा और सरकार संवेदनशील है, जो बेहतर इनके हित में निर्णय हो सकेगा जरूर उसमें ध्यान देगी। चुनाव के पहले सर कई कर्मचारी संघ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, नियमितीकरण के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ वेतन वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो सरकार उस पर उनका क्या सरकार उसका आकलन हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, जो बेहतर से बेहतर डिसीजन हो सकते हैं वो मुख्यमंत्री चूँकि संवेदनशील हैं तो ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा।